दोस्तों, अगर आप नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो आपको याद रखनी चाहिए कुछ खास बातें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ स्मार्ट टिप्स जो कि आपके स्मार्टफोन खरीदने के समय काफ़ी काम आएंगी। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले हार्डवेयर की। हार्डवेयर फ़ोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हार्डवेयर यार, एंट्री लेवल का अगर आपका हार्डवेयर होगा ना, तो आप उसे परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? परफॉर्मेंस वो आपको बेस्ट दे ही नहीं सकता। इसलिए एंट्री लेवल के हार्डवेयर को आप भूलकर प्रोसेसर पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे भी फ़ोन्स में आजकल ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलने लगा है, तो आप ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ रैम पे भी फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रैम अगर आपके फ़ोन की ज़्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप फ़ोन के अदर स्पेसिफिकेशन पे भी बाय करते समय ज़्यादा ध्यान देंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। जैसे अगर हम बात करें स्क्रीन रेजोल्यूशन की, बैटरी कैपेसिटी और कनेक्टिविटी ऑप्शन आपको फ़ोन में क्या क्या दिए जा रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं सुनने में काफ़ी माइनर है, पर ये मतलब आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है, अगर आप बजट स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ ध्यान देना होगा कि अगर आप बजट स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आपको वो अफोर्डेबल तो होगा, पर वहाँ पर आपको क्या है कुछ फीचर्स में कमी मिलेगी आपको वहाँ, क्योंकि फ़ोन को अफोर्डेबल बनाने के लिए जो कंपनीज़ होती हैं, स्मार्टफोन कंपनीज़, वो आपके फ़ीचर्स को भी थोड़ा कम कर देती हैं। फ्रेंड्स, जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जैसे 16 GB का फ़ोन अगर आप लेने जा रहे हैं तो वहाँ आपको जो उसमें स्टोरेज मिलेगा यूज़ करने के लिए, वो मुश्किल से 5 या 6 GB के करीब होगा। तो अगर हम बात करें स्क्रीन रेजोल्यूशन की, तो 4.7 इंच की डिस्प्ले में कुछ आपको 800x450 के पिक्सल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि इनफ नहीं है यार। डिस्प्ले की क्वालिटी मतलब कुछ खास होगी ही नहीं फिर उसमें। हो सकता है जब आपको जो फ़ोन दिया जाए उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी ओल्डर वर्जन की मिले, यानी कि जैसे अभी 4.0 वर्ज़न चल रहा है ब्लूटूथ का, तो हो सकता है आपको उससे लोएस्ट वर्ज़न मिले। तो मतलब यार, बजट स्मार्टफोन समझ गए ना आप कैसा होगा फिर, बजट वाला तो मतलब फीचर्स कम ही मिलने वाले हैं आपको उसमें। देखो दोस्तों, अगर बात करें सॉफ्टवेयर इंटरफेस की, तो मतलब हमेशा आप चेक कर लें कि जो आप फ़ोन लेने जा रहे हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर रहा है, कहीं वो ओल्डर वर्जन का तो नहीं। जैसे अभी अगर आप एंड्रॉयड 8 वाला फ़ोन लेते हैं तो मतलब वो बेकार है यार, एंड्रॉयड 10 आ चुका है, 11 आने वाला है, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है लेने का। इसलिए है ना, आप हमेशा चेक कर लें फ़ोन लेने से पहले कि जो आप इस डिवाइस ले रहे हैं वो कौन से OS पर रन कर रहा है। दूसरी बात यार, प्री इंस्टॉल्ड ऐप, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ़ोन में ध्यान देने के लिए, क्योंकि प्री इंस्टॉल्ड ऐप में ना आपको ये देखना होता है कि वो रिमूवेबल हैं या नहीं है, और वो कितना क्या रैम यूज़ कर रही है, क्योंकि प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो होती है ना वो मतलब फ़ोन की मेमोरी से स्टिक होकर रहेंगी, आप उन्हें हटा नहीं सकते, और वो आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को सीधे अफेक्ट करती हैं। यार, अब बात करते हैं आफ्टर सेल सपोर्ट की। फ़ोन जो है ना, जनरली 1 ईयर की वारंटी के साथ ही आने वाला है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जिस भी ब्रांड का फ़ोन खरीद रहे हैं तो उसका जो सर्विस सेंटर है वो आपकी सिटी में है भी या नहीं, क्योंकि जनरली अगर आपकी जो 1 साल की वारंटी है और आपका सर्विस सेंटर आपकी सिटी में नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर आप फ़ोन दूसरी शॉप पर ले जाते हैं ठीक कराने, तो कोई मतलब ही नहीं है यार, वहाँ आपको पैसे पे करने होंगे सर्विस के लिए। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे फ़ोन लेने से बचें जो जिनका सर्विस सेंटर आपकी सिटी में नहीं है। दूसरी बात है यार, बैटरी बैकअप। तो फ़ोन अब 2 टाइप की बैटरीज में आने लगे हैं, जैसे नॉन रिमूवेबल और रिमूवेबल। तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है वो किस टाइप का फ़ोन खरीदना चाहता है, रिमूवेबल बैटरी वाला या नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल के अपने प्रोस और कॉन्स हैं और नॉन रिमूवेबल के अपने। देखो दोस्तों, रिमूवेबल बैटरीज वाले जो फ़ोन होते हैं उनमें क्या है, आप एक एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करके चल सकते हैं। अगर बात करें नॉन रिमूवेबल की, तो वो यार पैक अच्छे से होके आते हैं और उसमें वाटर, पानी जाने की जो होती है ना संभावना, वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का फ़ोन लेना चाहते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन यूज़र की हमेशा ये सोच रहती है कि मतलब जो हाई फीचर स्मार्टफोन होगा ना, उसके कंपैरिजन में कम कीमत वाला जो स्मार्टफोन होगा
वो कम पावरफुल होगा। दोस्तों इससे होता क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन उस फ़ोन से और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हम ये सोचने लगते हैं यार मतलब कम पावरफुल ही तो होगा, पर और भी जो चीज़ें हैं वो तो हमें मिल ही रही है। कुछ टाइम बाद है ना फिर दोस्तों हम परफॉर्मेंस की शिकायत करने लगते हैं। पर दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, जो बजट स्मार्टफोन है आपका वो हाई फीचर स्मार्टफोन के करीब भी नहीं होता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ यार आपको जो फ़ोन है ना आपका बजट स्मार्टफोन, वो खरीदते समय ये सोच लेना चाहिए कि आपको जो हाई फीचर स्मार्टफोन है उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ फीचर्स हमेशा कम मिलने वाले हैं, और आपको यहाँ कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, जैसे बिल्ड क्वालिटी में, बैटरी लाइफ में, स्क्रीन रिजोल्यूशन में और कनेक्टिविटी ऑप्शंस में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।